नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि इस मार्च और अप्रैल के मंथ में, यानी कि जब ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे हम जब नर्सरी से पौधे लेने जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन कौन से पौधे लें। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताऊंगी, अगर नर्सरी आप विजिट कर रहे हैं तो आपको मैं सबसे सस्ता और अच्छे जो पौधे होते हैं पूरी गर्मी आपके गार्डन में बने रहेंगे वही पौधे आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम अगर विजिट करते हैं नर्सरी में तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है कि हम कौन से ऐसे प्लांट लें जो कि हमारे गार्डन में अच्छे से चले और सस्ते में मिल जाए, ज़्यादा केयर भी ना करना पड़े। तो वैसे ही एक प्लांट मैं बताती हूँ और भी हैं, मैं स्टार्टिंग में करती हूँ इस प्यारे से खूबसूरत बोगनविला से। तो बोगनविला फ्रेंड्स बहुत ही सस्ते में, अगर आप गवर्नमेंट नर्सरी जाते हैं तो आपको 20 या 25 रुपए में इस तरीके के इनके पौधे मिल जाएंगे। प्लांट के हिसाब से इनका प्राइस भी तय होता है, अगर छोटा रहेगा तो आपको 20, 30 या 40, 50 में इस तरीके से मिल जाते हैं। इनमें कलर पेटल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और मतलब कि ये वैसे तो कटिंग से ही लगती है, ये पौधे बीज से नहीं रेडी होते हैं, तो ये लोग किसी पे ग्राफ्ट कर देते हैं, तो एक में ही आपको ढेरों सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन आप सिंगल कलर का लेते हैं तो थोड़े से सस्ते, यानी 20 या 25 रुपए में इस तरीके से मिल जाएंगे। तो आप इनको बोगनविला को भी ज़रूर नर्सरी से परचेज करके ला सकते हैं, और कलर में बहुत से आते हैं, जो आपका फेवरेट कलर है आप वो ज़रूर लाएं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया फ्रेंड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डॉफ वाले, एक होते हैं लॉन्ग वाले। तो डॉफ वाले में आपको कलर देखने को मिल जाएगा पर्पल, वाइट और पिंक में भी, और जो टोल वाले होते हैं देसी वैरायटी के, उनको में आप पर्पल कलर ही देखने को ज़्यादा मिलते हैं। वैसे दोनों ही वैरायटी के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपको प्राइस बता दूं, ये भी 20 या 25 रुपए में इस तरीके से, कहीं कहीं 10 रुपए में भी मिल जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर लगाएगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा मधुकामनी। मधुकामनी भी दो वैरायटी की आती है, एक होती है हाइब्रिड, एक देसी। अगर देसी लाते हैं तो आपको 20-25 रुपए में इस तरीके से मिलेंगे, और हाइब्रिड लाते हैं तो थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। लेकिन फ्लावरिंग की अगर फ्रेंड्स बात करूँ मैं, तो मधुकामनी की जो हाइब्रिड वाली वैरायटी बहुत ही अच्छे से हैवी ब्लूमिंग करती है, गर्मी चाहे जितनी भी हो, बरसात चाहे जितनी हो, ये हमेशा ब्लूम करते रहते हैं। बस आपको 10 से 15 दिन थोड़ा सा गैप लेके फ्लावरिंग करते हैं, और वैसे हमेशा होती रहती है। तो आप मधुकामनी को भी ज़रूर ऐड करें। और प्राइस में बता दो फ्रेंड्स, जो देसी वाली होती है उनका प्राइस होता है थोड़ा सा 20 से 30 रुपये में मिल सकता है, और हाइब्रिड की होती थोड़ी सी महंगी आती है, आपको 60 से 80 रुपये तक के ये पौधे ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है हमारा हाइब्रिड विनका, और अभी देसी विनका भी मिल जाएंगे। देसी विनका तो फ्रेंड्स हमारे गार्डन में एक दो तो होते ही रहते हैं, जैसे वाइट वाला है, और इधर मेरे कुछ हाइब्रिड वाले हैं, तो इनको भी हम 20 या 25 रुपए में इस तरीके से। अभी छोटे छोटे पौधे लाएंगे, पौधे जो होते हैं सैपलिंग्स तैयार करते हैं, आपको 5 या 10 रुपए में मिल सकते हैं। अगर पौधा लेंगे तो आपको 20-30 रुपए में इस तरीके के मिलेंगे। तो आप विनका को भी ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है जीनिया। जीनिया में आपको कलर वैरायटी देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, डॉफ वाले भी आते हैं और लॉन्ग वाले भी आते हैं। तो दोनों जो पौधे होते हैं दोनों ही अच्छे लगते हैं, इनके जो फ्लावर होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, खूबसूरत लगते हैं। तो आप जीनिया को भी ज़रूर ऐड करें। प्राइस फ्रेंड्स वही है, आपको 10-20 रुपये में इस तरीके से मिलते रहते हैं। तो जीनिया को ज़रूर भी अपने गार्डन में ऐड करें। टोल वाले होते थोड़े से महंगे मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्लांट फ्रेंड्स वो है जट्रोफा। जट्रोफा भी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, और वैसे ये गर्मियों में क्यों, हमेशा आप सर्दी गर्मी बरसात सब में अच्छे से ब्लूमिंग करता है, तो इनको भी आप ला के लगा सकते हैं। प्राइस की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स ये आपको 20 रुपये से लेके 60 रुपये तक मिल सकते हैं, कि जैसे प्लांट होगा वैसे इनका प्राइस होगा। तो आप जट्रोफा जो होते हैं इनको भी ला के लगा सकते हैं, कटिंग से भी लग जाती है, और आप जब नर्सरी से लेने जाते हो तब भी आपको वहाँ पे ये पौधा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है
वो फ्रेंड्स मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 20 या 25 रुपए में इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, आपको 15 रुपए में मिल जाएंगे। अगर छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं तो वो थोड़े से सस्ते मिलेंगे आपको, 5 या 10 रुपए में इस तरीके से मिल जाएंगे। बट अभी इस तरीके से लाते हैं हाईब्रिड वाले तो थोड़ा महंगे, आपको 20-25 के अकॉर्डिंग दे सकते हैं पौधे, जैसे प्लांट होता है उसी के हिसाब से आपको पौधे भी मिलेंगे। तो मैरीगोल्ड को भी जरूर ऐड करें। वैसे जितने भी मैरीगोल्ड अभी आपको मिलेंगे सीजन के हिसाब से मिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उनके जो फ्लावर होंगे उनके साइज़ भी थोड़े से छोटे आने लगे हैं। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स है वो है कोलियस का प्लांट, तो हम कोलियस को भी लाके लगा सकते हैं अभी इस मार्च अप्रैल के मंथ में। और वैसे कलरफुल लीव्स वाले पौधे होते हैं, अगर आपके गार्डन में फूल भी नहीं है अगर इसको लगा लेंगे तो फूलों की कमी कभी नहीं होनी है, तो इनको ज़रूर लगाएं। प्राइस की बात करें फ्रेंड्स तो प्राइस इनकी आप 10 से लेके 20 रुपए तक के प्लांट आते हैं, जैसे कि प्लांट का साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका प्राइस भी होता है। तो 10, 20, 25, 30 इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। कलर वैरायटी पे फ्रेंड्स प्राइस डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी का कोलियस है, और आपको अब नर्सरी में अगर लेने जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंस वैरायटी डिफरेंस कलर मिल जाएंगे देखने को, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। वैसे तो मेरे पास है 4 या 5 ही वैरायटी के हैं, बट जो है फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगते हैं कोलियस के पौधे। कभी कभी गार्डन में ऐसा हो जाता है कि फूल नहीं खिलते, बट ये कोलियस का जो पौधा होता है फूलों की कमी कभी नहीं महसूस होने देता है। तो कोलियस के पौधे को आप ज़रूर लगाइएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, ना ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा है वो है कनेर। कनेर की भी कई वैरायटी आती हैं, कलर भी डिफरेंट डिफरेंस आते हैं, सिंगल पेटल के होते हैं, डबल मल्टीपल कलर आपको बता दो, पिंक वाइट पर्पल और येलो में रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये भी। और एक होता है मतलब ट्रम्पेट वाला होता है, उसमें भी कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें येलो और वाइट भी रहते हैं पर, और ऑरेंज कलर का आता है, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इनका भी प्राइस फ्रेंड्स जो हाइब्रिड वाले होते हैं यानी ये जो पेटल्स वाले होते हैं थोड़े से महंगे आते हैं, आपको 40 से 50-80 तक के आपको पौधे मिल जाएंगे। पर जो देसी वाले होते हैं वो 20 से लेके 25 रुपये तक की मिल जाएंगे। प्राइस फ्रेंड्स प्लांट के अकॉर्डिंग भी नर्सरी वाले देते हैं, तो जैसा आप प्लांट लेना चाहोगे वैसे आपको मिलेगा। वैसे मैं अपने इस प्लांट की अगर बात करूँ तो मुझे ये 20 रुपये में मिला था और मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लाई थी। और फ्रेंड्स सबसे सस्ता अगर पौधा आप लेना चाहते हैं तो आप अगर आसपास कोई गवर्नमेंट नर्सरी है तो वहाँ से चाहिएगा, आपको वहाँ पे सस्ते और अच्छे पौधे मिल जाएंगे। तो आप कनेर को भी ऐड करिएगा अपने गार्डन में, बहुत ही सस्ते और कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है हमारा दुरंता का प्लांट है। ये भी आपको वैसे तो मैं बता दूँ मैं इसको 20 रुपये में ही लाई थी गवर्नमेंट नर्सरी से, तो आप इनको भी लाके लगा सकते हैं। प्लांट आपको फ्लावरिंग के हिसाब से देते हैं नर्सरी वाले, तो ये भी 20-30 रुपये में इस तरीके से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टिकोमा। टिकोमा ये थोड़ा सा महंगा आपको मिल सकता है फ्लावर, लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं, येलो कलर में होता है और ऑरेंज में आते हैं, तो आप टिकोमा को भी ज़रूर लगाएं। और 20-30-40 रुपए में इस तरीके के इनके पौधे आते हैं, बट एक बार अगर आ जाता है तो आपके गार्डन से नहीं जाएंगे, तो आप टिकोमा के पौधे भी ज़रूर लगाएं। और वैसे भी 2-3 कलर वैरायटी में आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है कोसमोस। कोसमोस भी फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है विंटर के लिए, विंटर में भी अच्छे से ब्लूम होता है और हमारे गर्मी के सीज़न में भी। इसमें इस तरीके से सीड बनते हैं, जब सीड इनके स्पेंड हो जाते हैं तो हम गमले में अगर डाल दें तो ढेरों सारे इनसे पौधे बना सकते हैं कॉस्मोस से। तो आप इनको भी, ये तो वैसे आपको छोटे छोटे इनके सैपलिंग से मिल जाएगी 5 या 10 रुपये में, इस तरीके से ला के लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स है वो है हमारा नागचंपा। नागचंपा बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और इसको मैं लाई थी 40 रुपये में, और ब्लूमिंग ये हमेशा होता रहता है। अभी थोड़ा सा सीजन विंटर सीजन में थोड़े से ये डोरमेंस पे थे, बट अभी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, तो आप इनको भी ला के लगा सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो प्राइस थोड़ा सा ये महंगा आते हैं पौधे, जो हमारे चंपा वाले होते हैं, चंपा प्लूमेरिया वैरायटी के होते हैं, थोड़े से कॉस्टली आते हैं। बट अगर छोटे पौधे होते हैं तो आपको 20-30 या 40 रुपये में ज़रूर मिल जाएंगे, बट अगर फ्लावरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा। कलर आपको बता दूं फ्रेंड्स इसमें डिफरेंट डिफरेंस कलर आते हैं, नाग चंपा का सिर्फ एक ही कलर रहता है, बाकी वो जो चंपा की वैरायटी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंस कलर रहते हैं, पेटल्स भी अलग अलग रहते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है
वही हिबिस्कस, सारे प्लांट की अगर हम बात करें सस्ते में, तो सबसे सस्ता हमारा हिबिस्कस भी आता है, वो भी जो देसी वाले होते हैं। देसी वाले में फ्रेंड्स कई कलर मिल जाते हैं आपको देखने को, सेडेड में भी आते हैं, सिंगल कलर भी मिल जाते हैं और मल्टीपल पेटल वाले भी मिल जाते हैं। तो देसी वाले थोड़े से सस्ते 20 से 25 रुपये तक मिल जाते हैं, यहाँ तक कि 10 अगर गवर्नमेंट नर्सरी में ले जाते हैं तो 10-15 रुपये में आपको ये पौधे मिल जाते हैं। तो आप हिबिस्कस को भी ला के लगा सकते हैं। देसी वाले जो पौधे हमेशा ब्लूम होते रहते हैं, और हाइब्रिड वाले जो होते हैं बस सीजनल के अकॉर्डिंग वो फ्लावरिंग करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप लेके आ सकते हैं। हाइब्रिड वाले थोड़े से महंगे आते हैं, पर देसी वाले हैं जो सस्ते मिलते हैं। तो आप गुड़हल को भी ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स। और जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है गलाडिया। गलाडिया भी बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा। अभी तो इनकी सैपलिंग्स ही तैयार हो रही है, तो आप इनको ला के लगा सकते हैं। सैपलिंग्स आपको 10 या 5 रुपये में एक मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। ये थोड़े से अगर आपने खुद से ग्रो किया है तब अच्छी बात है, नहीं है तो नर्सरी से आप इनके छोटे छोटे पौधे ला के लगा सकते हैं। 10 या 5 रुपये इनके पौधे मिलेंगे। अगर पौधा इस तरीके से बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा महंगे आएंगे, बट अगर छोटे छोटे से इनके पौधे सैपलिंग्स लाएंगे तो ये सस्ते मिलेंगे। और आपको फ्रेंड्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे, वाइट, पर्पल, पिंक, और कभी कभी सैडन में रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो मॉर्निंग ग्लोरी को भी लाइएगा। और फ्रेंड्स ये थी आज की कुछ हमारी प्लांट जिनको आप बहुत ही सस्ते दामों में नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, सालों साल चलते रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लान, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।